नमस्कार, आप देख रहे हैं CTTV24 यू चैनल और मैं हूं आपके साथ सरम सर। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। संस्कृति विश्वविद्यालय में बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं की उपस्थित साथ में शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति उपस्थित हुए, एक जन सैलाब देखने को मिला। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, मंत्री रविंद्र जायसवाल, नीलकंठ तिवारी आदि मौजूद रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं CTTV24 न्यूज चैनल वाराणसी। ब्यूरो चीफ चंद्रमोहन सिंह की खास रिपोर्ट। लेकर के पूरा तक जिस समाजवादी पार्टी को खोजना पड़ रहा है, वो 400 सीटों के सपने देख रहे हैं। मैं पूरे विश्वास से बाबा जी की धरती पर कह सकता हूँ, वह 47 सीटें 2017 में जीत करके आए थे। उनके ऐसे कोई कर्म नहीं है जिसके आधार पर 47 से 48 तक पहुंचे। वो 47 से 40 पहुंच सकते हैं, लेकिन 47 से 48 नहीं पहुंच सकते। अब पहले ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है। ऐसे धर्म गिरे काम जो मैं बिना तो शायद कई दिन निकल जाएंगे। मेरा आग्रह यही है कि आप सरकार के कार्यों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं। साथियों, आपके प्रयास देश की एक और मदद करें। आपने इस बार लाल किले से सुना होगा, मैंने लाभार्थी योजना के सैचुरेशन की बात की है। सैचुरेशन मेरा मतलब है जो हकदार है वो हकदार का 100% लाभ उस तक पहुंचना चाहिए, कोई 80-90 नहीं, 100%। 100% लाभार्थियों तक पहुंचने का मतलब होता है गरीब कल्याण के लाभ की योजनाओं से कोई छूटे नहीं। 100% लाभार्थियों तक पहुंचने का कार्यकर्ताओं के दुख सुख के हमेशा ध्यान रखने वाले माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सड़कों का विकास करने वाले ऐसे आदरणीय केशव मौर्य जी को मैं आमंत्रित करता हूँ आए। योगदान दे रही जनता।